What's up guys and welcome back to my videos once again. So it's the third day. तो थर्ड डे पे आप देख सकते हो कैसा अटायर है हमारा पूरा. आज साउथ गोवा का है तो साउथ गोवा के जैसा लुक किया है हमने. और ए, और कहाँ जा रहे हैं अभी अपन पहले साउथ गोवा के? साउथ गोवा के पहले फरदा रोड. फरदा रोड पर्रा रोड है. इट्स एक्चुअली पर्रा रोड. पर्रा रोड इज लाइक वो डियर जिंदगी वाला रोड. तो वहाँ पे चलते पहले तो ब्रेकफास्ट करते. मेरे नीरो ब्रेकफास्ट पे बाकी सब आए गए. बैग तो रख लेते कार में. आज भी बाइक नहीं लेने वाले हम. पूरा एक्सीवी 700 में पूरा ट्रैवल है हमारा क्योंकि साउथ गोवा दूर है. 60 कितने किलोमीटर है? अराउंड 80 है बोले. और वहाँ जाने टाइम लगता है. 80 रह के भी 2-2.5 घंटे लगते हैं बिकॉज ऑफ रोड्स, नैरो रोड्स है नॉन. तो ठीक है निकलते हैं साउथ गोवा. थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला रोड है. हम पहुँच चुके ऑलमोस्ट कोला में. तो ये बहुत डेंजर रोड था बट ठीक है हम आगे. बट एक्सीवी के भोई भाई सस्पेंशन नेक्स्ट लेवल है. नेक्स्ट लेवल. तो मैं बैठा बीच पहुंच चुके आप देख सकते हो. मीन्स ऐसे सीधा जहाँ कार पार्किंग करेंगे वहां से कनेक्टेड है सी नीचे नीचे के साइड पे. तो हम आपको उतर के ही बताते. चल आ जा. तो यही लगा रहा पार्क कर रहा इधर लगा ना भाई. आप देख सकते हो व्हाट अ व्यू मैन. व्हाट अ व्यू. क्रेजी यार सीरियसली. कैसा लग रहा भाई? ये एकदम हिडन. ये हिडन बीच है पूरा गोवा का. मतलब है साउथ गोवा में ऐसा पूरा कच्चा रोड है कम से कम 2 किलोमीटर का. थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगी आप. आपको डर लगेगा. पूरी सफारी करके आए. पूरा ऑफ रोडिंग करके आए ये व्यू के लिए. नीचे भी जाएंगे अभी हम. कायाकिंग करेंगे. बहुत कुछ करना है. और तो बहुत बड़ा व्यू है. नीचे चल के बताते हैं भाई. उधर वो भी बोटिंग भी हो रही है. पार्क कर दी. फोटो शूट कर लिया. अगर आपको फोटो देखते हो क्षितिज अंडर स्कोर वाड़े पे जाके देख सकते हो. अभी यहाँ से थोड़ा ट्रैक है क्या? वॉक है. छोटा सा वॉक है 10-15 मिनट का. तो आपको बताते हैं उसका रिव्यू देते हैं कैसा वॉक है. ट्रेक स्टार्ट. ट्रेक नहीं स्टेप से आप देख सकते हो. बट व्यू देखो यार. ऐसा व्यू किधर फिल्मों में देखने मिलता है. जैसे बैंग बैंग वगैरह में मूवी में देखा है ना वैसा सीन है. अरे ऋतिक रोशन कैटन के का बैंग बैंग वैसा. सब शूटिंग यहीं पे हुई है. जो लेवल की है ना भाई मैं क्या ही बताऊँ. उसमें मैंने व्हाइट पहना है तो जरा अच्छा लग रहा है. ठंडा ठंडा लग रहा है. अगर ब्लैक पहनता तो मेरी वाट लगने वाली थी. बट फिर भी थोड़ा बहुत टैन हो ही रहे. कितना भी सनस्क्रीन लगा लो टैन तो हो ही रहे हैं. और वो जो रेत है ना हवा से उड़कर आके पूरी फेस पे लग रही है. तो कैसे तो भी हो रहा है पता नहीं. मिनट के वॉक के बाद नीचे जाने के बाद आपको दुनिया का सबसे बेस्ट व्यू मिलने वाला है. लेट्स गो. तो कुछ इस तरह है वाइब कोला बीच की. वन ऑफ द बेस्ट बीच ऑफ गोवा. वन ऑफ द क्लीनेस्ट. बहुत सही है. कैसा लग रहा है आपको? मार्वेलस. मालदीव्स और बाली वाली वाइब्स आ रही है जरा. मॉरिशियस वाली भी थोड़ी थोड़ी. तो आगे चलते वहाँ पे. वहाँ पे कमाल की फोटोज आने वाले. लेट्स गो. स्पेशलिटी क्या है ये बीच को? कनेक्टेड रिवर है ना. इनफ रिवर है या बैकवाटर? बैकवाटर है वी डोंट नो. बट देखो यहाँ पे बीच बीच और यहाँ पे कायाकिंग होती है. ये भी हम करने वाले है. बहुत ही ज्यादा वाला मजा आने वाला है. और ये हर्षल ऐसे घूमते हुए. और ये पानी का कलर देखो भाई. भाई कैसे का ग्रीन है. और भाई वाइब्स देखो अंदर. वो पूरा कायाकिंग बहुत मजा आने वाली है. लेट्स गो यार सीरियसली. स्टार्ट कर दिया है पूरा कायाकिंग. मैं और नीरो बैठ चुके. ये हमारे हथियार आ चुके और मजा आने वाला है अभी. और ये कुछ 40 मिनट्स की राइड है. और विल गो नाउ. संभाल के चल. वो दोनों मजा आ रहा है. पूरा नीरवी चला रहा है. मैं तो बस फोटो वगैरह वीडियो वगैरह ब्लॉग शूट कर रहा हूँ. भाई 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 टकरा गई हमारी. देखो भाई मजा आ रहा है. मजा आ रहा है बहुत से. ये चीज मस्ट हुए गोवा था नाम. नेक्स्ट लेवल. भाई सबसे मजा ना ये ले रहा है हर्षल. ये डा हो गया. वो देखो भाई 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 आगे देख भाई वो देख गिरा पलटे. तो आगे बैठ गया तो थोड़ा उसकी भी फोटो शूट वगैरह कर लेते. बट बहुत थक गए. 40 मिनट हो ही नहीं सकते. और वहाँ पे देखो भाई पूरे ट्रैफिक हो चुकी है. हवा से ऑटोमेटिक चल रही. इतनी भारी हवा चल रही है. और ये जो व्यू, ये कोकोनट ट्री, ये रिवर, भाई साहब क्या ही बताए आपको. हर्षल अभी इतना प्रो हो गया ना तो भाई ये अभी ना रेस कर सकता है. भाई इसका कंपटीशन होता है ना. चल लगा नहीं कंपटीशन. चल 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 लगा चल. बजट ट्रिप का ऐसे ही रहता. 100 रुपए रेस लगाने वाले हम तीनों बोट. अभी देखते हैं इसमें से कौन जीतता है. अगर हम जीते को वैसा कुछ नहीं है. 100 रुपए की बेट लगा रहे. चल 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 रेस जल्दी. लोगों को लड़कियों को मदद करते हुए. हेलो हाउ आर यू? आप YouTube देखते हो? यू आर फ्रॉम गोवा? ओके ओके नाइस.
पुणे महाराष्ट्र बी टाउन बेबी एमसी स्टैन यू नो पी टाउन बेबी वी आर फ्रॉम पी टाउन पी टाउन पी टाउन भाई देखो हमको पुणे वालों को एमसी स्टैन के नाम से पहचान है मतलब एमसी स्टैन देखना यार कुछ भी पी टाउन सिर्फ उस चीज के लिए फेमस नहीं है फिर क्षितिज वाड़े के नाम से पहचान है यार अरे वो तो है रे वी आर फ्रॉम पी टाउन एंड यू आर फ्रॉम जी टाउन जीनियस टाउन फ्रॉम गोवा टाउन Town, baby, kidhar hai P-Town, where is P-Town? Wo shahab ka beauty. Ye traffic police hai yahan ka, sabke boat ghuma rahi hai, mostly ladkiyon ke. Bhai, aapko Mahabaleshwar mein ghoda chalate hue dikhte hai, aapko boat chalate hue ko ek bhaiya milega. थोड़ा सा खाने आ गए थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा लेते और ये व्यू देखो भाई ये रेस्टोरेंट से पूरा सी व्यू आता है भाई साहब नेक्स्ट लेवल यार नेक्स्ट लेवल बोलना इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा मैं भूल इसे ना